हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं एज अ गेम डेवलपर कौन से सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, कौन से टूल्स यूज करता हूँ। तो दोस्तों, छोटा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। मेरा नाम है निखिल मालनकर और मैं प्रोफेशन से एक गेम डेवलपर हूँ। मेरी एक खुद की कंपनी गेम यॉन, जिसको मैं फुल टाइम मुंबई में चलाता हूँ। एंड इसके थ्रू हम लोग क्लाइंट सर्विसेज करते हैं, खुद के गेम्स बनाते हैं थोड़े बहुत, और बेसिकली ऑल टाइप्स ऑफ गेम्स, एंड्रॉयड, HTML5, वो सारे टाइप के गेम्स बनाते हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं कौन से टूल्स यूज करता हूँ एज अ गेम डेवलपर, क्योंकि काफी सारे लोग इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, काफी सारे लोग इस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो जानते नहीं कि कौन से टूल्स यूज होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा मेरा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि कौन से टूल्स यूज करता हूँ। और ये टूल्स जो है, इनको मैं पर्सनली ऑन अ डे टू डे बेसिस यूज करता हूँ। पॉसिबल हो सकता है कि इसमें से कुछ टूल्स आप खुद यूज ना करो एज अ गेम डेवलपर, बट मेरे लिए ये जो टूल्स है वो काफी यूजफुल है। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट टू एंड देख लीजिए ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो पाए। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक और कॉमन टूल से, जिसका नाम है यूनिटी गेम इंजन। अभी गेम इंजन होता क्या है एग्जैक्टली, इसको मैंने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है। बट यूनिटी गेम इंजन जो है, इसको मैं ऑन अ डे टू डे बेसिस हर रोज यूज करता हूँ, क्योंकि इसी के अंदर हम लोग हमारे गेम्स बनाते हैं। यूनिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसके अंदर एक बार आपने गेम बना लिया तो इसको आप पीसी प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, आईओएस प्लेटफॉर्म तीनों पे इजीली पोर्ट कर सकते हो। तो वो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है यूनिटी गेम इंजन की, कि आप इसको एक बार गेम बना लिया फिर आपको बार बार ज्यादा पोर्टिंग में एफर्ट डालने का जरूरत नहीं है। सो इसी वजह से यूनिटी मैं हर रोज यूज करता हूँ एज अ प्राइमरी सॉफ्टवेयर, प्राइमरी टूल टू मेक गेम्स। एक और सॉफ्टवेयर जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस है गिटहब, क्योंकि मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैं मेरी कंपनी में प्रोग्रामिंग भी संभालता हूँ। तो गिटहब जो है वो हम लोग का जो भी सोर्स कोड है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से एक दूसरे के साथ सिंक रखने में काफी हेल्प करता है। गिटहब फ्री है। गिटहब जैसे दूसरे भी ऑल्टरनेटिव्स है, जैसे सोर्स ट्री होता है, गिट लैब होता है, बहुत सारे दूसरे ऑल्टरनेटिव्स है। फिर आते हैं अगले सॉफ्टवेयर की तरफ जिसको मैं ऑन अ डेली बेसिस यूज करता हूँ, वो है फोटोशॉप। दोस्तों, फोटोशॉप भी है वो काफी ज्यादा यूजफुल रहता है गेम डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उसके अंदर आपके जो यूआई एलिमेंट्स है, यूजर इंटरफेस वगैरह है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपके एनिमेशन वगैरह है, कैरेक्टर एनिमेशन भी आप कर सकते हो फोटोशॉप में, बट आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाएगा। बट एनी वे, फोटोशॉप ऑन अ डे टू डे बेसिस यूज होता है और मैं खुद भी यूज करता हूँ। इवन मेरे यूट्यूब के थंबनेल्स बनाने के लिए फोटोशॉप यूज करता हूँ, अडोबी फोटोशॉप। अडोबी फोटोशॉप जो है वो लाइसेंस्ड है, इसका एक पेड वर्जन रहता है, फ्रीली अवेलेबल नहीं है। इसका लाइसेंस मेरे पास है, तो अगर आप फोटोशॉप यूज करना चाहते हो अडोबी की वेबसाइट पे जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल कॉपी दीजिए, पायरेट मत कीजिए। फिर आते हैं दूसरा एक और सॉफ्टवेयर है, अगर हम लोग HTML5 गेम्स बना रहे हैं तो उसके लिए हम लोग Construct 3 यूज करते हैं। अभी फिलहाल तो हम लोग कोई HTML5 गेम्स बना नहीं रहे हैं, बट जब हम लोग बना रहे थे तो वो टाइम पे Construct 3 का भी लाइसेंस मैंने लेके रखा था। काफी यूजफुल टूल है HTML5 गेम्स बनाने के लिए Construct 3। लाइट वेट है, ब्राउजर के ऊपर चल जाता है, तो इसी वजह से कोई दिक्कत नहीं आती। ये तो रही गेम डेवलपमेंट रिलेटेड, बट इसके साथ ही और बहुत सारे टूल्स हैं जो मैं डे टू डे बेसिस पे यूज करता हूँ फाइल ट्रांसफर के लिए। दोस्तों, ये जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक पर्सनली मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जब इस सॉफ्टवेयर को, इस एप्लीकेशन को डिस्कवर किया वो टाइम पे, यार मैं सोच नहीं सकता मेरी लाइफ ये ऐप के बगैर। तो इस ऐप का नाम है, इस सॉफ्टवेयर का नाम है एयरड्रॉइड, AIRDROID। बेसिकली ये क्या करता है, ये आपका वाईफाई के ऊपर फाइल ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो अगर आपके पास कोई APK आपका बन गया फोन के अंदर, आपको उसको टेस्ट करना है, मे बी आपके पास USB केबल नहीं है, आप PC से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो फोन को, तो आपका फोन और आपका जो PC है जिसपे आपने गेम का APK बनाया है वो अगर सेम वाईफाई नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड है, तो आपको बस वहां पे एड्रॉइड डाउनलोड करना है और अपने फोन का जो IP एड्रेस से कनेक्टेड है वो एंटर करना है PC के अंदर, ब्राउजर के अंदर, और डायरेक्टली आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल टूल है दोस्तों, मैं इसको एवरी डे यूज करता हूँ, क्योंकि फाइल ट्रांसफर तो रहता ही है, APK टेस्ट करना रहता ही है, और अगर कभी कुछ चीज मिस हो गया, जैसे केबल भूल गया जैसे मैंने मेंशन किया, तो वो टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा लाइफ सेविंग ऑप्शन है। तो एयरड्रॉइड आप भी चेकआउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एज यूजल। तो एयरड्रॉइड बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि उससे कैसा है कि आपको वो मगजमारी नहीं रहता कि यार कनेक्ट करो, ये करो, वो करो, बस आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो
फोन है और आपका जो पीसी है जिसको आप यूज कर रहे हो वो सेम वाईफाई नेटवर्क पे है। फिर मेल्स के लिए जो टूल मैं यूज करता हूँ ऑब्वियसली जीमेल है, और हम लोग का जो कस्टम gmail.in का आईडी है उसे मैंने फॉरवर्ड करके रखा है, और उसका जो मेल क्लाइंट है उसको मैंने जीमेल के साथ कॉन्फिगर करके रखा है। जी सूट हम लोग यूज नहीं करते, तो जो भी हम लोग ने सेटअप किया है वो मेल फॉरवर्डिंग और इनबॉक्स को मैंने कॉन्फिगर करके रखा है। एसएमटीपी वगैरह जो है उसका जो पोर्ट नंबर है वो सब मैंने वहाँ पे कॉन्फिगर करके रखा है। सो इसी वजह से मुझे जी सूट की जरूरत नहीं है, मैंने सारी की सारी चीजें जो है वो मैन्युअली कॉन्फिगर करके रखी है। फिर एक और इम्पोर्टेंट टूल है एंड्रॉयड स्टूडियो। दोस्तों अगर आप एक एंड्रॉयड के लिए गेम बना रहे हो, यूनिटी को लेके अगर आपने एंड्रॉयड के ऊपर गेम बनाया है, और यूनिटी के अंदर तो आपको सारे लॉग्स मिल जाते हैं, एरर वगैरह कुछ रहा तो आपको वही के वही पता चल जाता है, बट जब आप उसको एंड्रॉयड के अंदर डालते हो तो आपको उसको डीबग करना पड़ता है। इसके दो तरीके, या तो आप एडीबी लॉक कैट करके यूज कर सकते हो, पूरा का पूरा आपको कंसोल के ऊपर दिख जाएगा, या फिर सिंपलर वे ये रहेगा अगर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो है और आपने अपना फोन जो है वो डीबग मोड में कनेक्ट कर दिया, तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आपको नीचे सारे के सारे लॉक्स मिल जाएंगे और उसको आप कॉन्फिगर कर सकते हो। वहां पे आप सर्च कर सकते हो एग्जैक्टली वहां पे कि आपको कौन सा पार्ट ढूंढना है, तो वो काफी हैंडी है। और मैं पर्सनली डीबगिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज करता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है और बिल्कुल भी हेडेक की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा कुछ कॉन्फिगर करने का भी जरूरत नहीं है। बस आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो फोन है उसमें यूएसबी डीबगिंग सेटिंग्स ऑन है, उसको आप फिर यूएसबी केबल लेके आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर दीजिए। एक बार कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया, आपका एंड्रॉयड स्टूडियो चालू है, वहां पे आपको सारे के सारे लॉक्स दिख जाएंगे, और अगर आपका गेम कहीं पे क्रैश हो रहा है तो उसकी एग्जैक्ट वजह आपको वहां से लॉक कैट थ्रू मिल जाएगी। बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टूल एंड्रॉयड स्टूडियो स्पेशली, और अगर आप iOS यूज कर रहे हो तो उसके साथ तो यार XCODE तो आपको यूजफुल हो ही जाएगा। इट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट सॉफ्टवेयर। अगर मैं iOS के लिए गेम्स बना रहा हूँ तो वहां पे मैं XCODE यूज करता हूँ। तो XCODE जो है ये एक फ्रेमवर्क है, जैसे अपना एंड्रॉयड स्टूडियो है फॉर एंड्रॉयड, वैसे XCODE है फॉर iOS। तो XCODE के अंदर आप अपनी बिल्ड लेते हो, जो भी अपना गेम का बिल्ड रहता है वो XCODE के अंदर आप उसका एक एक्स प्रोजेक्ट फाइल बनता है या फिर वर्कस्पेस बनती है, एक्स प्रोजेक्ट वर्कस्पेस, और मे बी उसको मैं एग्जैक्ट वो वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट उसको आप यूज करके XCODE के अंदर कॉन्फिगर करके उसको डायरेक्टली आईफोन के साथ कनेक्ट करके वहां से आप टेस्टिंग कर सकते हो। तो वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तरीका है आपके गेम्स को टेस्ट करने का iOS के ऊपर। अगर आप XCODE चलाना चाहते हो तो आपके पास मैकबुक होना चाहिए। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट कि मेरे पास अभी लैपटॉप कौन सा है या फिर पीसी कौन सा है। सो दोस्तों मैं पर्सनली एक मैकबुक एयर 2017 वाला यूज कर रहा हूँ, मेरे डेवलपमेंट पर्पजेस के लिए वो चल जाता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल रहती है। जैसे अगर मुझे कुछ एक्सेल शीट्स वगैरह यूज करने होंगे तो वहाँ पे नंबर्स है, वर्ड फाइल्स वगैरह यूज करने होंगे तो पेजेस है, फिर मैं जो वीडियो एडिटिंग वगैरह करता हूँ उसके लिए मेरे लिए फ्री सॉफ्टवेयर है कॉल्ड आई मूवी। तो ये सारे जो एप्स है और सॉफ्टवेयर है वो तो मैं डेली बेसिस पे यूज करते ही रहता हूँ क्योंकि मेरे पास मैकबुक है। बट अगर आपके पास विंडोज है तो फिर उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, काफी सारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, विच इज ओके। माइक्रोसॉफ्ट के जो भी सोल्यूशन है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेना पड़ेगा। मैं पर्सनली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह यूज नहीं करता, मैं यूज करता हूँ गूगल के जो डॉक्स है, गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स, नोट्स, कीप करके एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे मैं मेरे सारे नोट्स को ऑर्गेनाइज करता हूँ, मेरे को जो भी नए नए आइडियाज आते हैं उसका मैं कीप डॉक्यूमेंट बना देता हूँ। एज वेल एज मैकबुक के अंदर एक नोट्स का एक अलग ऐप है, उसको भी मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। जो भी अगर मेरे को टास्क लिस्ट मेरे लिखने हो गए कि मेरे को आज के दिन में क्या क्या करना है वो मैं नोट्स के ऊपर ऑर्गेनाइज करके रख देता हूँ। एक और अगर आपको ऑर्गेनाइज रहना है तो फिर एक और बढ़िया सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ट्रेलो। ट्रेलो के अंदर आप अपने जो वर्क बोर्ड्स है वो बना सकते हो। वर्क बोर्ड्स का मतलब ये है कि आपको अगर दिन में प्लान करना है कि आपको ये चीजें करनी है तो उसका एक आप बोर्ड बना दोगे और तीन उसके अंदर कैटेगरीज रखोगे, टू डू, डूइंग और डन। जो भी टास्क आपको करने हैं वो आप डालोगे टू डू के अंदर, फिर बाद में जब आप वो पर्टिकुलर टास्क कर रहे हो तो उसको मूव करके आप डूइंग में डालोगे। एक बार आपका टास्क हो गया तो आपको डूइंग से उसको डन में डालना। तो ये चीज जो है वो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है ट्रैकिंग में, क्योंकि आप जो भी काम करते हो वो हमेशा हम जब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं पे लिख के नहीं रखते, सिर्फ दिमाग के अंदर नोट्स बना के रखते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि ये वो पर्टिकुलर काम हम भूल जाते हैं करना। सो ट्रेलो को अगर आप यूज करोगे तो फिर आप बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहोगे। एंड पर्सनली मेरे हिसाब से हम लोग ट्रेलो बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उसके अंदर
क्रिटिकल टास्क वगैरह रहते हैं, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स वगैरह जो रहते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग के दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए, इसी वजह से हम लोग उसकी सारी नोट्स बना के रखते हैं, टू डू का एक लिस्ट बना के रखते हैं, और जैसे जैसे टास्क कंप्लीट होते जाते हैं हम लोग उसको डूइंग और डन के अंदर मूव करते जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप ट्रेलो यूज़ करेंगे ऑन अ डेली बेसिस, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी। इसमें से काफ़ी सारे टूल्स आप भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ट्रेलो है, एड्रॉइड है, ये तो जनरली कोई भी यूज़ कर सकता है। यूनिटी गेम इंजन जैसे मैंने बताया, फोटोशॉप मैंने बताया, ये तो आर्ट और गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, फुल टाइम आर्टिस्ट हो और 3D करना चाहते हो तो 3DS मैक्स, ब्लेंडर या फिर माया, ये 3 3D सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ कर सकते हो। मैं खुद एक आर्टिस्ट नहीं हूँ तो मैं इनको यूज़ नहीं करता। और इन टर्म्स ऑफ कोड अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो मैं विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे इंटेलिसेंस वगैरह मिल जाता है, तो इसको मैंने यूनिटी के साथ कॉन्फ़िगर करके रखा है। सो मुझे कोडिंग करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। बहुत टाइम तक मैं VS कोड यूज़ करता था, जिसको मैं प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करता था इंस्टेड ऑफ विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी। मेरे हिसाब से मैं विजुअल स्टूडियो कोड में, VS कोड में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, बट मेरी टीम यहाँ पे मेजरली VS कम्युनिटी, विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी यूज़ करती है, तो मुझे थोड़ा स्विच करना पड़ा। सो दोस्तों यही थे कुछ टूल्स जो मैं ऑन अ डेली बेसिस यूज़ करता हूँ एज अ गेम डेवलपर। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प हो जाए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।